आप ऐसी मूवीज जरूर देखते हैं जिनमें अक्सर कर एलियंस दिखाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मूवीज हमारी उत्सुकता बढ़ा देती हैं। उनको देखकर लगता है कि क्या वाकई में ऐसी कोई दुनिया होगी, और अगर है तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, हम उन एलियंस से क्यों दोस्ती नहीं कर सकते। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल आपके जहन में आते होंगे। लेकिन उन फिल्मों में ज्यादातर एलियंस को हमारा दुश्मन दिखाया जाता है। हर समय उनका मकसद हमारी धरती पर हमला करने का होता है, लेकिन हीरो इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी भी पानी मांगने लगती है, यानी फेल हो जाती है। यही नहीं, उनकी शक्लो सूरत भी इतनी खतरनाक और डरावनी दिखाई जाती है कि एक नवजात बच्चा भी डर जाए। लेकिन क्या हकीकत में वो ऐसे ही होते हैं जैसे हमें दिखाए जाते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि वे वेशभूषा बदलकर हमारे साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन जितना सब मूवीज में दिखाया जाता है, क्या वो सच होता है? एक्चुअली वो सच नहीं होता और इमेजिनेशन पर टिका होता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि एलियन सच में कैसे हो सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, दे आर इम्यून टू अर्थ बैक्टीरिया। किसी भी साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है कि धरती पर आने वाले एलियंस ज्यादातर अपनी वजह से ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी के बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता नहीं होती और एक बैक्टीरिया के इंजेक्शन मात्र से ही वो सभी मर जाते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि एलियंस कोई साउथ के विलेन तो है नहीं कि एक ही बार में ट्रेन से टकराकर मर जाएंगे। एलियंस पृथ्वी में किसी बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट नहीं होने वाले, वे यहाँ तभी आएंगे जब किसी इंसान से बायोकेमिकली संबंधित होंगे। अगर वे यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका साइंस का ज्ञान हमसे ज्यादा एडवांस होगा, और अगर पृथ्वी के बैक्टीरिया ने उनकी बायोकेमिस्ट्री के साथ मेल कर लिया तो हो सकता है कि वो बेहद ताकतवर हो जाएं और हमारे लिए खतरा बन जाएं। नंबर टू, दे वॉन्ट ईट अस। एलियंस धरती पर गेस्ट के रूप में आएंगे और उन्हें लोकल पैथोजेंस के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वे पृथ्वी पर मौजूद खाद्य स्रोत के रूप में यहाँ मौजूद कार्बनिक पदार्थ को नहीं पहचान पाएंगे और ना ही वो उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर हक मिश्रा का कहना है कि एक इंटरस्टेलर स्पेस को पार करने वाली सभ्यता ने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया होगा कि उन्हें इंसानों की तरह भोजन की जरूरत नहीं होगी। इतनी दूर से भी हमें यहाँ खाने नहीं आएंगे। नंबर थ्री, दे वॉन्ट मेट विद अस। हम जानते हैं कि इंसान का डीएनए किसी भी दूसरे ग्रह के डीएनए से नहीं मिल सकता। कुछ लोग दावा करते हैं और आगे भी करेंगे कि एलियंस ने उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। वहीं कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि एलियंस धरती पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए आएंगे। तो ऐसे विचार उन लोगों के दिमाग की उपज है जिनकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं होती। उन्हीं लोगों के मन में ये उजूल फिजूल के ख्याल आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इंसान के अलावा हम लोग किसी भी प्रजाति के साथ प्रजनन नहीं कर सकते, उसी तरह कोई एलियन पृथ्वी पर आए तो हम उसके साथ संबंध बनाकर उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनका डीएनए हमारे डीएनए से बेहद अलग होगा। नंबर फोर, दे डिडंट पुट अस हियर। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है फ्रिंज थ्योरी, जिसमें माना गया है कि इंसान पृथ्वी पर एलियंस के गिफ्ट हैं। कुछ लोगों के मुताबिक इंसानों को यहाँ तब छोड़ा गया जब पृथ्वी के पास से दूसरा जीवन वाला ग्रह निबरू गुजरा था। वैसे हकीकत में किसी ने आज तक इस ग्रह को नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह हमारी सौरमंडल के किनारे पर है और समय समय पर अंदर की तरफ सूरज का चक्कर लगाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि होमो सेपियंस कुछ एलियंस के हस्तक्षेप का नतीजा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इंसानों को बनाने में उन्हें क्या फायदा होता। ऐसी बातें हम लोगों में से किसी के दिमाग की झूठी उपज हैं। नंबर फाइव, दे वॉन्ट कम इन पीस। मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हमें रेडियो के द्वारा एलियंस के सिग्नल्स को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना था कि अगर एलियंस हमारे भेजे गए सिग्नल्स को पकड़ने में कामयाब हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस होगी।
अगर वे पृथ्वी पर आ गए तो यहाँ वैसा ही माहौल होगा जैसा क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका जाने पर हुआ, जो यहाँ के मूल अमेरिकन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम कैसे माने कि स्टीफन हॉकिंग की बात में कितना सच था? बाहरी दुनिया से आए जीवों के व्यवहार के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? हो सकता है वे बहुत अच्छे हों या फिर बहुत बुरे। इसके बारे में एक साइंटिस्ट सीट शोस्टक का कहना है कि इस बात को जानने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम इसे अपनी धरती पर ही देख सकते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों के अंदर गुस्सा और आक्रमण वाली आदतें कहां से आईं? जब कोई भी रिसोर्सेस को अपने पास रखना चाहेगा और अकेला ही यूज करना चाहेगा तो वो किसी और को वो चीजें नहीं देगा और ऐसा खुद ब खुद बन जाएगा। एलियंस भले ही दूसरी परिस्थितियों में पैदा हुए हों और विकसित हुए हों, लेकिन अगर उनके पास भी पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं हुए तो हो सकता है कि उनके व्यवहार में भी गुस्सा और आक्रमण जैसे भाव उत्पन्न हो गए हों, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह रिसोर्सेस एक समान मात्रा में ही हैं, इसलिए एलियंस आक्रामक हो सकते हैं और स्टीफन हॉकिंग सही हो सकते हैं। नंबर 6, दे वॉन्ट कम इन पर्सन। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हर काम के लिए मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज घोड़ों के स्थान पर कार्स, सेना की जगह परमाणु हथियार और जेट्स की जगह ड्रोन्स ने ले ली है। इंसान ये सब सिर्फ अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए कर रहा है। लोग इससे अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह से हम दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। वे लोग भी अपने आप को ज्यादा एडवांस बनाने के ऊपर काम कर रहे होंगे जिससे वो इतने विकसित हो जाएं कि हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पृथ्वी पर आना ही ना पड़े, वो अपने ग्रहों से सभी चीजों को देख सकें। साइंटिस्ट सोस्टक के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले हमला करने वाले एलियंस नहीं बल्कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। नंबर 7, दे माइट नॉट एग्जिस्ट। इतने बड़े ब्रह्मांड को देखकर आज हर कोई यही सोचता है कि दूर कहीं कोई दूसरी दुनिया भी मौजूद है, और ऐसा बिल्कुल संभव है क्योंकि हमारी पृथ्वी ग्रहों के बनने के 100 मिलियन साल में ही रहने योग्य हो गई थी। इसी तरह कोई दूसरा ग्रह भी हो सकता है जिसमें जीवन मौजूद हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ग्रहों के बनने वाली घटना के बारे में अभी कुछ नहीं पता, बस तुक्का मारते रहते हैं। कई साल से चल रहे फ्रैंकेनस्टीन जैसे प्रयोगों के बावजूद हम लेबोरेटरी में जीवन की उत्पत्ति को ट्रिगर करने के करीब नहीं आ पाए हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे पृथ्वी पर जीवन है वैसा कहीं और नहीं हो सकता तो हम गलत हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड में हर जगह जीवन जीने के लिए पानी और ऑक्सीजन की ही जरूरत हो, वहाँ के अपने अलग केमिकल्स और गैसेस हो सकती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर पृथ्वी पर जीवन की वजह पानी है तो दूसरे प्लेनेट पर भी ऐसा ही होगा, और हम केवल पृथ्वी की जांच करके ये सब पता नहीं लगा सकते। मुमकिन है कि हर जगह एलियंस हों, चाहे वो जुपिटर हो या फिर वीनस, और ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ना हों। अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर पानी है तभी जीवन संभव है? क्या मीथेन में जीवन नहीं हो सकता? अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।